मुझे लगता है कि इतना छोटा सा बच्चा इतने सारे लोगों के बीच में कैसे बोल पाता है और कैसे इतने बड़े बड़े डायलॉग्स लर्न करता है। लेकिन मुझे पता है मैं लगभग 3 या 3.5 साल से इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ और आन्या जो भी सीख रही है वो बहुत ही उसको हेल्पफुल है। हाय, आई एम आन्यास मदर। ये अभी 6 साल की है और जब ये 3.5 साल की थी तब मैंने इसको एक्ट टू एक्शन ज्वाइन करवाया था। ये शुरू से ही बहुत एक्टिव और बहुत ही चंचल रही है, बहुत ही टॉकेटिव थी। तो और इसकी एक्टिविटीज़ को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसको कोई ड्रामा स्कूल मुझे ज्वाइन करवाना चाहिए। तो मैंने इसको एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करवाया और जो मतलब यहाँ का प्रोसेस है वो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि बच्चे के ना ऑल ओवर पार्ट पे काम किया जाता है, मतलब हर सेक्शन पे काम किया जाता है। वॉइस एंड स्पीच है, मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ और ये सब मतलब खेल खेल में बच्चों को करा दी जाती है। और बच्चा कब मतलब उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं ये आपको पता ही नहीं चलता। मुझे एक्ट टू एक्शन से जुड़े हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं और बीच में कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम भी रही कि भाई हम जा नहीं सकते थे, सिखा नहीं सकते थे, लेकिन फिर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रूम किया गया। और इसी की वजह से मतलब इसमें इतने चेंजेस हैं कि मैं समझ पाती हूँ कि ये मतलब कितनी इंटेलिजेंट हो गई है। और इसने काफ़ी सारे एड शूट, स्टॉक शूट्स किए हैं जिनमें कुछ तो जैसे ह्युंडई कार का है और डेटॉल का एड शूट है, जॉय ई बाइक है, काफ़ी सारे इसने स्टॉक शूट और प्रिंट शूट भी किए हैं। और रिसेंटली अभी ये दूसरी माँ सीरियल कर रही है, इस पर NTV पे आता है और काफ़ी अच्छा ये कर रही है क्योंकि मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये 3.5 साल की जर्नी रही है उसमें जो इसने सीखा है वो इसके बहुत काम आ रहा है।